मांगल्य मांगलिक कार्य का आज से प्रारंभ होने वाला है, तो दो दो शुभ कार्य आज इस घर में संपन्न होने जा रहे हैं। हम भगवान श्री रामचंद्र जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जिस हेतु से आज की यह पावन कथा हम सब चिंतन करने जा रहे हैं, उस हेतु में सफलता प्राप्त हो। भगवान गजानन की कृपा से मांगलिक कार्य बड़े ही निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और जिस नवजात शिशु के जन्मदिन उनके षष्ठी संस्कार के अवसर पर हम सब उपस्थित हुए हैं, उनको खूब सारा प्यार स्नेह मिले, उनका जीवन मंगलमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आइए हम मानस की कथाओं पर चिंतन करें। रामचरित मानस की कथा विस्तार को अगर हम देखें तो संत कहते हैं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, इसका जो विस्तार है वो अनंत है और इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि शारद शेष महेश, माता शारदा शेष महेश निरंतर राम के नाम का गुणगान करते रहते हैं, परंतु अंत में वो भी कहते हैं कि नेति नेति कह निगम। सभी लोग कह देते हैं कि ये जो गुण है वो अनंत है, इसका कोई विस्तार का पार नहीं पाया जा सकता। फिर भी हम सब अपने अपने बुद्धि के आधार पे, ज्ञान के आधार पे इसको चिंतन करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम सब भी भगवान की इस पावन कथा का चिंतन कर रहे हैं। निसंदेह भाषा में, बोली में, कथा को कहने में कई प्रकार की गलतियां हो सकती है, स्वाभाविक है। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी जो इसके जानकार हैं, आप सब गलती को सुधार करके सही को ग्रहण करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए हम सब रामचरित मानस के विभिन्न कथा प्रसंगों को बहुत अध्ययन करते हैं। रामचरित मानस में कागभूषुंड जी की कथा आती है। जब रामचरित मानस की कथा पूरी होती है, माता पार्वती भगवान शिव से पूछते हैं कि प्रभु आप कहते हैं कि कागभूषुंड जी है वो बड़े ज्ञानी हैं और कागभूषुंड जी है वो जो गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। गरुड़ कौन? तो रामचरितमानस में आता है गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ कौन है? तो गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और हरि सेवक। गरुड़ है वो महाज्ञानी है, ज्ञानी और गुणों की राशि है, और बड़ी बात हरि सेवक। हम सभी जानते हैं कि भगवान नारायण है, गरुड़ पे सवार होते हैं। नारायण जी का जो वो वाहन है गरुड़, ऐसा ज्ञानी गरुड़ भला एक पक्षी कागभूषुंड। कागभूषुंड कौन है? तो कागभूषुंड एक पक्षी है, भला पक्षी जाति का एक कागभूषुंड जी में इतना ज्ञान विज्ञान कहां से आ गया कि उसको गरुड़ जी को वो कथा सुनाने लगा और गरुड़ जी है वो उसके पास कथा सुनने गया। मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आया। माता पार्वती के मन में थोड़ा संशय होता है। तब माता पार्वती भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप मुझे ये विस्तार से बताइए। श्री रामचरितमानस की कथा तो आपने मुझे बताई, पर आप कहते हैं कि कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाया,
तो फिर कागभूषण जी के पास इतनी जो ज्ञान, इतना ज्ञान और इतनी भक्ति कैसे प्राप्त हुई, उसके पूरे जीवन वितांत के बारे में बताइए। इस प्रकार से निवेदन करते हैं माता पार्वती है भगवान शिव से। तब भगवान शिव है माता पार्वती को कागभूषुंड जी के जीवन की कथा के बारे में बताते हैं। कागभूषुंड जी के बारे में बताते हुए कथा शुरू करते हैं कि कागभूषुंड जी ने जो ये जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति जो उनका अनुराग है, भगवान शिव के प्रति जो उनकी अटूट भक्ति है, वो केवल एक जन्म की बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की बात है। हम सब अपने आध्यात्मिक ग्रंथों में और भारतीय संस्कृति में सुनते हैं कि हम सब ये जो भी मानव का शरीर हमको मिला है, ये जो शरीर हमको मिला है, ये कोई एक जन्म का हमारा जो कर्म का फल नहीं है, बल्कि कई बार जब हम कई जन्म जन्मांतर तक जब अच्छे कर्म करते रहते हैं, तब कहीं जाके ये ऐसा सुंदर मानव तन हमको प्राप्त होता है। और इस मानव तन को पा करके यदि कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, तो फिर कहते हैं कि उन्होंने इस जो सुंदर अवसर को खो दिया है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा कि जैसे एक व्यक्ति जिसके हाथों में मणि कंचन हो, अर्थात हीरा मोती जवाहरात हो, परंतु वो उसको पत्थर समझकर फेंक दे, ऐसी हमारी स्थिति है। कितना सुंदर मानव तन हमको मिला है, परंतु इस मानव तन के महत्व को ना जान करके हम इसको ऐसे ही बेकार में गंवा देते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को मणि पकड़ा दिया जाए उसके हाथों में, तो वो उस मणि को धूल में मेल देता है, मिट्टी में उसको मेल देता है और उसकी जो सुंदरता को खराब करता है। ऐसे ही हम सब है जो इतना सुंदर हमको मनुष्य का शरीर मिला है भक्ति भजन करने के लिए, परंतु अज्ञानतावश हम इस शरीर के महत्व को नहीं जान करके इस शरीर के साथ नाना प्रकार के कर्म करके इस शरीर का भी हम सदुपयोग नहीं कर पाते। गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजई राम तजी काम सब अस विचारि मन माहि, लखन सिया राम चंद्र की जय। हरि माया कृत दोष गुण, गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में कहा कि जड़ चेतन गुण दोष मैं विश्व किन्न करतार, हंस संत हंस गुण गही पै परिहरिवारी विकार। ये जो जगत है वो गुण और दोषों से परिपूर्ण है, हर व्यक्ति में गुण भी है दोष भी है, परंतु इन सारे गुण दोषों से व्याप्त इस जगत में जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक बिनु हरि भजन न जाही, जब तक हमारे द्वारा भगवान की भक्ति नहीं किया जाएगा, हरि का भजन नहीं किया जाएगा, तब तक मन से सारी वासनाएं नहीं मिट सकती। अगर हमको अपने मन से कामनाओं को वासनाओं को मिटाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हरि का भजन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कामनाओं का त्याग करके निश्चल भाव से एक रत होकर के भगवान श्री राम के भजन में लीन हो जाता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि उनके जीवन से सारे दोषों का अंत हो जाता है। इसलिए हम सब भगवान के भजन करें, भजई राम तज काम सब अस विचारी मन माही। हमको अपने मन में ऐसा विचार करना चाहिए और विचार करके भगवान के भजन में अपना मन लगाना चाहिए। तो आइए हम एक सुंदर भजन के पश्चात आगे कथा प्रसंग की चर्चा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की
जैसे उड़ाते वैसे उड़ते होकर सबे बात माजे, होकर सबे बात मजे। सब खिलौना माटी के ना चले बिंदु जा बिलना, सब खिलौना माटी के ना चले बिंदु जा बिलना। तारल टूट के पाना गिरे देखो के पाना की रहे देखो हुई अमजी। तारा हो के सुनाना हे पाना के बिनाना, तारा हो के सुनाना हे पाना के बिनाना। तारल टूट के पाना की रहे देखो हुई अमजी, तारल टूट के पाना की रहे देखो हुई अमजी। Oh,